नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल के जरिए मिलेंगे ठाणे शहर के एडिशनल कमिश्नर यानी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक मुरारी जी से, और उनसे जानेंगे कि ठाणे शहर में क्राइम को हैंडल करने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए किस तरह का इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और किस तरह का इन्होंने प्रिवेंशन लिया है। मुरारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, बहुत सभी को नमस्कार जी। मुरारी जी, आप यहाँ पर डीसीपी भी रह चुके थे इसके पहले, अभी एडिशनल कमिश्नर क्राइम का चीफ बन के आए हो, तो आपने शहर में किस तरह की घटनाओं को आपने रीड किया और किस तरह की प्रिवेंशन आपने आगे का लिया है? ठाणे शहर में एक तो 5 जोन्स है जिसमें कि अलग अलग शहर है। एक तो ठाणा है, दूसरा भिवंडी है, तीसरा कल्याण है, चौथा उल्लासनगर है और एक मुंब्रा। ये अलग अलग टाइप के सभी शहर है। यह सबर्ब है और मुंबई के नज़दीक है। सबर्ब में जो क्राइम होता है वो क्राइम यहाँ बहुत सारा यहाँ होता है। इसमें से अभी अगर लास्ट ईयर कोविड के बाद अगर देखा जाए तो जैसा जनजीवन सामान्य होता जा रहा है, जैसे कि अपनी इकोनॉमी सामान्य होती जा रही है, तो ये क्राइम में भी वो पैटर्न जो पहला पैटर्न था वो पैटर्न क्राइम में भी हो रहा है। तो उसमें अभी तो हम ठाणे शहर में अपन जो चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, देन मोटर व्हीकल जो टू व्हीलर बाइक्स है, वो टू व्हीलर बाइक्स की चोरी, इसमें ज़्यादातर हमको देखने में मिला है। और वो क्राइम में ज़्यादातर युवक वर्ग उसमें क्रिमिनल हमको देखने को मिला है, चोरी करते हुए देखा है। हमने जो भी पकड़ा है, जो भी डिटेक्शन किया है उसमें देखा है। आपने यहाँ पर एक नया मुहिम चालू किया है जो महीने में एक बार ऑपरेशन होता है, ऑल आउट ऑपरेशन। ये ऑल आउट ऑपरेशन क्या है और किस तरह का इसमें गुनहगारों को आप इसमें पकड़ते हैं और अभी तक कितनी कामयाबी मिली है आपको? आपने जो जिक्र किया वो भी वो एक ऑल आउट ऑपरेशन, बहुत अलग तरीके का ऑल आउट ऑपरेशन रहता है। क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन, उसका मेन मोटो ये रहता है कि उद्देश्य वो रहता है कि वो क्राइम को प्रिवेंट करे और डिटेक्ट करे। लेकिन इसमें पहले ये बताना चाहूँगा कि ऑल आउट यानी ऑल पुलिसमैन पुलिस स्टेशन के, क्राइम ब्रांच के सभी पुलिसमैन, पुलिस अमलदार और हमारे ऑफिसर्स सभी वो फील्ड पर जाएंगे और वो स्पेसिफिक 4 घंटे के लिए जाएंगे। जो गुनहगारी बस्ती है, जहाँ जहाँ क्राइम होने की आशंका लगती है, हॉटस्पॉट है, वहाँ सब वो जाएंगे और वहाँ के एरिया का सर्च लेंगे और गुनहगारों को चेक करेंगे। जो रिकॉर्ड पे गुनहगार है उनको चेक करेंगे। फिर जो एक्सटर्नी हैं, जो जिनको एक्सटर्न किया गया है, वो अगर वापस आते हैं तो उन पर भी हम अरेस्ट करेंगे उनको, और तो उनको फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, फरार और पाहिजे जो वांटेड आरोपी है, बहुत सारे हमको कामयाबी मिली है इसमें वांटेड आरोपी पकड़ने में। और तीसरा जो है, जो भी कोर्ट के वारंट रहते हैं, पैरोल पे जो आरोपी बाहर आते हैं फिर जाते नहीं हैं, कोर्ट के वारंट स्टैंडिंग वारंट रहते हैं, वो भी आरोपी ये अभियान में हमको बहुत सारे मिले हैं। और ये काफ़ी लास्ट करीब करीब 6 महीने से हम अभी तक 7 तो ऑपरेशंस कर चुके हैं और उसमें हमें अच्छी कामयाबी मिली है। तो इसमें किस तरह के आरोपी अभी तक मिले? अभी तक कितने, 7 महीने में कितने डिटेक्ट हुए हैं आरोपी? करीब करीब 700 से भी ज़्यादा, एक तो वांटेड है, दूसरे एक्सटर्नी है, तीसरे स्टैंडिंग वारंट या परोल और फरलो के जो आरोपी है वो मिले हैं। काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली। दूसरा, मुरारी साहब, एक लोगों की शिकायत रहती है कि मॉर्निंग वॉक करते समय ज़्यादा करके चैन स्नैचिंग हो रहे हैं। हाईवे से नज़दीक जो छोटी रोड हैं जिसमें लोग वॉक करते हैं, उनको भय रहता है चैन स्नैचिंग का। तो ऐसे लोगों को प्रिवेंशन के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों की कि वॉक करते समय या कहीं जाते समय इस तरह घटनाएँ ना हो, कीमती सामान न चला जाए, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक तो जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था कि ये चैन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग और ये व्हीकल थेफ्ट, ये ज़्यादा दिख रहे हैं जो भी क्राइम कंपोजिशन है। तो चैन स्नैचिंग
ज़्यादातर अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग में जो क्राउडी आवर्स रहते हैं, और मॉर्निंग वॉक को कुछ लेडीज़ निकलते हैं अरे अकेले अकेले अलग अलग निकलते हैं, तो उनको ये चैन स्नैचर्स उनका उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें ये प्रिवेंशन के लिए तो पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। एक तो हम डिटेक्शन, पहला तो हम डिटेक्शन के ज़रिए हम आरोपी को पकड़ के करीब करीब 32% से भी ज़्यादा अभी तक के डिटेक्शन हमारे क्राइम का डिटेक्शन हुआ है उसमें, और रिकवरी भी हुई है। दूसरा जो है हम नाकाबंदी लगाते हैं, जो भी अर्ली इन द मॉर्निंग है 2 घंटे की, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे की एक स्नैप नाकाबंदी हर दिन लगाते हैं। तीसरा जो ये मोबाइल या चेन स्नैचिंग के जो हॉटस्पॉट है, जहाँ भी होने की आशंका है, पहले 2 या 2 से ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ हम वो हॉटस्पॉट वहाँ ट्रैप लगा के हम कोशिश करते हैं कि आरोपी रेडान पकड़ा जाए। और चौथी जो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, बीट मार्शल पेट्रोलिंग हमारी जो रहती है, वो सतर्क बीट मार्शल पेट्रोलिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी जवाबदारी से पूरे अमल बजावनी कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। नागरिक के लिए यही सूचना मैं दे सकता हूँ कि अगर ऐसी घटना होती है तो पहले एक तो अपन गाड़ी की नंबर देखने की कोशिश करो, मैक देखने की कोशिश करो। बहुत बार तो वो हेलमेट लगाते ही आते हैं, क्रिमिनल्स तो दे यूज़ देयर ऑल टैक्टिक्स, वो हेलमेट तो पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम मोटरसाइकिल का नंबर भी मिल सकता है, वो भी देख सकते हैं। दूसरी बात है, जो बाहर अगर अकेले अकेले अगर जा रही है लेडीज़, तो उन्होंने थोड़ा अपना जो भी गोल्ड ज्वेलरी है, एक तो कम से कम रहे, मॉर्निंग वॉक में तो ज्वेलरी का कुछ ये नहीं रहता, कम से कम रहे तो भी ठीक है, और अगर है तो वो थोड़ा कॉशियसली उसको थोड़ा केयरफुल रखना चाहिए, केयरफुल उस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, आजकल ये मोबाइल जो है, मोबाइल पे बातें करते रहते हैं और इधर चैन स्नैचर आके उसका फ़ायदा उठाता है, तो आप उस पर भी चलते चलते मोबाइल पे, इतना तो अर्जेंट रहता नहीं मॉर्निंग वॉक में, तो नहीं बात करना चाहिए। और जब आप क्राउडी एरिया में घूम रहे हैं इवनिंग में भी मॉर्निंग में भी, तब आपने मोबाइल पे बात करने का नहीं चाहिए, कम से कम टालना चाहिए, कम से कम बात करना चाहिए। जी बिल्कुल मुरारी साहब, आपने जैसा कहा कि लोग अलर्ट रहेंगे, लोग सावधान रहेंगे तो क्राइम होने से बच सकता है, बिल्कुल सही, और उसको रोका जा सकता है। मुरारी साहब, तीसरा एक अहम क्वेश्चन है जो कि यूथ के लिए है। आजकल लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और ज़्यादा करके इसमें डॉक्यूमेंट उससे बैंक से रिलेटेड काम उसी से करते हैं, तो इसमें साइबर क्राइम का बहुत आजकल अटैक हो रहा है, साइबर में लोगों के पैसे चले जा रहे हैं, और ऐसे इसके लिए पुलिस में काफ़ी शिकायतें भी आ रही हैं और लोगों का उस शिकायत हल नहीं हो पा रहा, ऐसा लोगों की शिकायत है, तो उसके लिए आप कुछ योजना बनाई है या कुछ प्रिवेंशन लिया है? साइबर क्राइम के लिए बेसिकली हम जब तक कंप्लेंट हमारे पास आती है तब तक पैसे चले गए होते हैं, बहुत बार पैसे वापस लाना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हमारी कोशिश है, हमने जितने भी हमारे पास रेफर किए उसमें से 60% तो भी पैसे हम वापस ला सके हैं। हम जो अगर जल्दी से जल्दी अगर कंप्लेंट हमारे पास आती है तो करीब करीब पिछले 1.5 साल में 2 करोड़ के का अपने पैसे हम वापस ला सके हैं। इसमें एक बात है, एक तो हम डिटेक्ट तो करेंगे ही, क्रिमिनल को लाएंगे ही, उसके लिए कोशिश हमारी तो जारी रहेगी, हमारे साइबर पुलिस स्टेशन साइबर सेल कार्यरत है उसके लिए, लेकिन इसके लिए एक तो सिटीजन्स के लिए कुछ बातें हैं कि जो कि अपनी KYC डॉक्यूमेंट है, कभी भी किसी साइबर क्राइम के हिसाब से अगर सिटीजन्स ने कुछ सावधानियाँ अगर बरतनी है तो ये क्राइम प्रिवेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत बार तो खुद सिटीज़न अपना KYC डॉक्यूमेंट देते हैं, खुद अपना पिन कोड देते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स देते हैं, लेकिन ये अगर जब तक तुमको कंफर्मेशन नहीं कि ये किसको दे रहे हैं, तो यू शुड नॉट गिव इट ऑन फोन, बेसिकली फ़ोन पे नहीं देना चाहिए ये। अगर बैंक में जाते हो, बैंक में तो आप बैंक कर्मचारी से बात करके वो दे सकते हो, लेकिन ये फ़ोन पे बात करके या व्हाट्सएप से या SMS से ऐसी कोई बात मत कीजिए, और KYC डॉक्यूमेंट, OTP और बैंक डिटेल्स ये मत दीजिए। जी मुरारी साहब, इसमें एक और बात है, एक मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि ये मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स
इसमें बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत ये क्रिमिनल्स वो चीटिंग करके उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इसीलिए महिलाओं ने बहुत सारी ये सावधानियां हैं कि केवाईसी डॉक्यूमेंट, उनका फोटोग्राफ, या अगर सामने वाला कोई पहचान तो फेसबुक या सोशल मीडिया से होती है, लेकिन पहचान होने के बाद अगर वो बोलता है कुछ पैसे चाहिए, कैंसर का मैं कुछ औषध बना रहा हूँ, मैं कुछ हर्बल ये कर रहा हूँ, तो उनको वहाँ संशय आना चाहिए, सस्पिशियन होना चाहिए और दे शुड कॉन्टैक्ट पुलिस। क्योंकि मैट्रिमोनियल फ्रॉड में ये ज़्यादातर देखा गया है कि लेडीज़ को ही ऐसा लोअर करके शादी का या तो उनको महिलाओं को बहुत सारे फंसाया गया है, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने आई है। इसीलिए वो सावधानी बरतना चाहिए मैट्रिमोनियल, स्पेशली मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स में। जी साइबर में ज़्यादा करके मेट्रोमोनियस की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं, इसका मतलब महिलाओं को ज़्यादा शिकार बनाया जा रहा है, जो कि इजी ये लोग आराम से क्राइम में हो सकता है इस पर, तो ज़्यादा करके महिलाओं को अलर्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही आपने कहा, महिलाओं ने जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त बहुत सावधानी बरतना ज़रूरी है। अपने KYC डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स, अपना फोटोग्राफ और कोई अदर डिटेल्स, OTP बिल्कुल देना नहीं है। बिल्कुल मुरली साहब, और तीसरा यूथ का एक और हिस्सा हुक्का पार्लर में जा रहा है आजकल, हुक्का पार्लर, बियर बार, इस तरह के चीज़ों में जाके काफ़ी बर्बादी हो रही है, तो उस चीज़ को प्रिवेंशन के लिए आपने क्या कुछ योजना बनाई है या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? इसके लिए तो सभी, एक तो हम कुछ युवकों को कॉलेज या स्कूल में जन जागृति मुहिम हम ये चला रहे हैं। हुक्का पार्लर जो इलीगल चलाते हैं उन पे हम सख्त कड़ी एक्शन हमने लिए है और आगे भी लेते रहेंगे, वी विल कंटिन्यू आवर एक्शन। बट युवकों के लिए भी मैसेज ये है कि उन्होंने भी ये जो व्यसनाधीनता है, एडिक्शन है, ये करना नहीं चाहिए। ये आजकल आपने जो जिक्र किया कि वो बढ़ रही है, सही बात है, उसमें तथ्य है, लेकिन वी आर टेकिंग केयर, वी आर टेकिंग एक्शन एज वेल एज वी आर मेकिंग अवेयर टू द यूथ्स, जो कि अपना देश का भविष्य है। यूथ जो है, जो स्टूडेंट है खासकर, जो ड्रग्स में चले जा रहे हैं, उसको MM ड्रग्स का भी काफ़ी दिनों में कार्रवाई हुई थी थाने शहर में, तो इस नशा मुहिम के खिलाफ पुलिस कितनी अलर्ट है? नहीं, नशा मुहिम के लिए तो हम दो तरफ से काम कर रहे हैं। एक तो हम पेडलर्स, जो भी कंज्यूमर पेडलर्स है, जो बेचने वाले हैं, बिक्री करने वाले हैं, उन पर रेड करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो कंज्यूम कर रहे हैं और बाहर ऑन रोड पब्लिक पे, जो आप गर्दुल्ले वगैरह वो बोल सकते हैं, उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरी बात जो कर रहे हैं, हम स्कूल और कॉलेज में हमारी टीम जाके स्टूडेंट को इनको अवेयर करने की कोशिश कर रही है, उनके लिए कुछ हमने प्रोग्राम बनाया है और वो हम कोशिश कर रहे हैं। मुरली साहब, लास्ट में थाने शहर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सुरक्षित और अच्छी लीडर रहने के लिए? एक तो सिटीजन्स अगर अलर्ट है तो वैसे भी बहुत सारे क्राइम कम होते हैं, प्रिवेंट होते हैं। और सिर्फ अलर्ट रहना नहीं है, अगर आपको अगर कुछ बात गलत लगती है तो दे शुड कॉन्टैक्ट टू पुलिस। तो पुलिस आपका मित्र है, आप जो भी बोलेंगे उस पर हम वेरीफाई करेंगे और जो सही है उसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। इसीलिए अलर्ट सिटीजन, वो दैट इज़ अ सेफ सिटी। पहले पुलिस का नंबर 100 नंबर था जो कि इजीली सबको था, अभी 112 नंबर कर दिया गया। 112 भी है और 100 भी है, दोनों भी अभी ऑपरेशनल हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद मुरली साहब। थैंक यू। लोग क्राइम तो होता रहता है, अगर आप अगर थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो पुलिस का भी मदद मिलेगी और क्राइम को भी प्रिवेंशन मिलेगा और अपराधी जेल में होंगे। आप हमारा मुद्दा भारत चैनल देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।